फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेन। तो भाई अभी हम लोग बस बाहर आए हैं, अभी हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। अबे यार फेंक दिया वो, तो फेंकना मत, थोड़ा सा पानी पिला देना। हम लोगों का प्लान बना है कि स्कॉन टेंपल जा रहे हैं हम लोग सब लोग, और जो स्कॉन टेंपल है वो जस्ट लोटस टेंपल के अपोजिट साइड में ही है। अब थोड़ी थोड़ी हम लोगों को लगने लगी भूख, हमने सोचा चलो थोड़ा छोटा मोटा खा लेते हैं, फिर उसके बाद खाके निकलेंगे वहां पर। हाँ ले लूंगा, तो बस हम निकलेंगे उसके बाद लोटस टेंपल। बाकी चलो फिर, मम्मी मजा आया आज? मामी मजा आया हैं? मजा आया? अरे यार अबे मीठा बोला। तो भाई यहाँ पे हम लोग अब निकल चुके हैं, मतलब इस्कॉन टेम्पल के लिए जाने के लिए। और बाकी जो ये रास्ता है ना, बीच में से ही रास्ता है जाने का, जो लोटस टेम्पल है जस्ट लोटस टेम्पल के हम मतलब बगल में से एक रास्ता है, मतलब उसके अपोजिट साइड में। तो बस अब हम लोग यहाँ से बीच में से एक रास्ता जा रहा है, उसके बीच में से ही हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता बता रही है क्या नाम है कि इसके इस्कॉन टेम्पल है ना, उसके जस्ट बगल में ही ये रास्ता निकलेगा। अरे बन्नी अब चले गए हम लोग इस्कॉन टेम्पल। अब मैं बता दूं क्यों ये इतना भागते हो गए, एक बार वहां पे देखो आप लोग, वहां पे बड़े बड़े झूले हैं वहां पे झूलने के लिए। तो वहां देखो ये, अब वहां पे जाके झूले गए, मुझे पता है अब ये मुश्किल हो पाएगा जाना वहां पर। बाकी चलो फिर एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठ के इनके साथ फिर उसका इस्कॉन टेम्पल निकलते हैं। आपको इधर देखो मजा आ रहा है, मन्नी वहां फुल एंजॉय कर रहा है वहां पे, और इन्हें धीरे धीरे करके सारे झूले झूल लिए। ए बन्नी आएगा, ए वो आ रहा। फास्ट आते बाबू, फास्ट आते है बंदे, सोने इधर आओ, मजा आ रहा है। ले भाई रुद्र भी पहुंच गया, वो वहां पे है मम्मा के पास, वो रहा वहां पे रुद्र। ओए रुद्र गिर जाएगा, ये देखो कैसे उतर रहा पागल, चोट लग जाएगी ऐसे नहीं चढ़ झूलते भाई। चलो फिर चले मामा। बाकी मामी और मम्मी वहां पर, एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वो रही उस जगह, इस्कॉन टेम्पल चलते हैं हम लोग सीधा, ठीक है? हाँ ये देखो ये यहाँ एक्सरसाइज करने आए है अभी इतनी दूर, चोट लग जाएगी। आराम आराम से कर भाई, आराम आराम से। बाकी इधर मामी और मम्मी को भी देखो फुल मजे ले रही है यहाँ पे देखो। चलो वो फिर वहां नहीं चलना क्या, आगे फिर टाइम निकल जाएगा। चलो हाँ धूप तो वैसे खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट, चले भाई फिर। तो भाई ये देखो मियाँ बीवी देखो फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग इनको। चल ले बस यार, अरे इसकी फोटो वोटो क्लिक करने जा रहे थे ना। अरे नहीं नहीं अंदर नहीं खोलेंगे, नहीं। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे अब एंट्री कर ली है इस्कॉन टेंपल के अंदर। बाकी और मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ ऊपर से, ये देख सकते हैं आप लोग फुल मतलब इसको अच्छे से डेवलप किया जा रहा है मेरे ख्याल से ना। हाँ जन्माष्टमी आ रही है ना, तो इसी वजह से इसको इतना डेकोरेट किया जा रहा है इतने पहले ही। बाकी चलो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, चलो भाई चलो क्या प्रसाद, अच्छा हाँ भाई प्रसाद वगैरह, हाँ भाई अभी चढ़ाने के लिए प्रसाद। बाकी चलो स्लीपर वगैरह हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। काफी अच्छा
व्यू दिख रहा है इसके अंदर और देख के अच्छा लग रहा है। इतने टाइम बाद में आया इस मंदिर के अंदर आज। मम्मी और मामी यहाँ पे फोटो स्टार्ट हो गई। मैं अरे जब आया था स्कूल टाइम पे जब पिकनिक पे आए थे अच्छा वाला जो था बोटिंग वाला बोट का हाँ फिर जब भी हमारा आना हुआ था मेरा नहीं था खैर मैं तो मेरे उस वक्त एग्जाम पड़ गए थे तो मैं नहीं आया था। मेरे एक या दो इवेंट थे मैंने जब एक या दो इवेंट मैंने अटेंड करे बट लेकिन मैं उसके बाद सीधा घर निकल गया था। फिर मेरी जगह भैया आए थे खैर लेकिन जब से मेरा अभी ही आना हुआ यहाँ पर कौन टेम्पल के अंदर। बाकी यार रुद्र तू कब आया था लास्ट? तू आया है इसमें नहीं फर्स्ट टाइम है तेरा? अच्छा सही है चलो सेकंड टाइम है अच्छा। तो गाइस फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं इस्कॉन टेंपल के अंदर। आप लोग को दर्शन कर लीजिए एक बार राधा कृष्ण जी के। बैटरी है ना वो है बैटरी सिर्फ 3% बैटरी है मेरे फोन के अंदर। अब पता नहीं मेरा फोन कब बंद हो जाए। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे भगवान जी के वो है रूप कृष्ण भगवान जी के ये देख सकते हैं आप लोग इस जगह। करके आ गए अब हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा प्रसाद देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं हम सब। चलो 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 बाकी मम्मी वगैरह भी सब वहीं पे है उधर बैठी हुई मम्मी वगैरह। तो बाकी चलो अब यहाँ से चलते हैं अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर पे। बाकी इस फोन की मेरी हो चुकी बैटरी लो। अब जो शूट करूंगा या फिर मैं मम्मी वाले फोन से शूट करूंगा या फिर छोटे मामा वाले फोन से शूट करूंगा। बाकी चलो तो लिए वो चप्पल अच्छा। देख सही आ रही है एक बार दिखा सही आ रही है ना मम्मी को ढंग में बैठ जाए तो भाई चलो फिर अपने आप चलते हैं हम लोग घर पे। अरे भैया हम लोग चलते हैं सिया घर पे। मजा आया सिया आज है भाई कितना मजा आया मजा आया बन्नी क्यों गंदा किस चीज के लिए लगा आपको क्यों अच्छा गर्मी गर्मी की दिक्कत है अच्छा गर्मी की दिक्कत थी और इतनी सारी वो ठंडा पिया कोल्ड ड्रिंक जूस वो इतनी सारी करी फिर वो तो पेट भी गई बस आओ डाइजेस्ट हो गए हैं पा हाँ पेट में चले गए और खून बह गए घर चले फिर बननी अब सीधा बाकी ये वो मेट्रो स्टेशन था जिस मेट्रो स्टेशन से हम लोग आए थे जो आपने मेरे पहले वाला काल का देवी माता वाला मतलब मेरा ब्लॉग देखा होगा। तो भाई चलो हाँ कोई बात नहीं आंटी आप बोल लो पहले मैं बाद में बोल लूँगा क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना गूगल आंटी हमने मैप पे लगा रखी है इस जगह पर। बाकी थोड़ा सा आते वक्त आज सुबह क्या हुआ थोड़ा रास्ते में ना हम इधर उधर हो गए थे तो इसलिए हम लोगों ने गूगल मैप लगा लिया और इसलिए अब सीधा हम लोग पहुँचेंगे घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार रस्तों के मामले में साउथ दिल्ली में। तो मामा यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं मामा मज़ा आ रहा है समोसे में गाड़ी चलाने में चलो फिर सी या
क्या है कि भाई अब हम लोगों का ना प्लान बनना भी बात हुई हम लोगों के बीच में कि नेक्स्ट अगर जो हमारा टूर होगा ना वो होगा अक्षरधाम में। ये अब तो शायद सेंगी भाई के साथ ही बनेगी जब सेंगी भाई आएंगे, फिर उससे अगर पहले बन जाए तो अच्छी बात है। अब जाके मिलते हैं सीधा जहाँ पे हम लोगों को डिनर करना है, तो वहीं पे जाके बनेंगे। हम लोगों का आ चुका है सांभर और डोसा, हम लोगों ने ऑर्डर करा है यहाँ पे, हमने पनीर डोसा ऑर्डर कर दिया है यहाँ पर। बाकी भैया लेके आ रहे हैं उधर से हम लोगों के लिए डोसा, और मम्मी वगैरह वो लोग सब वहाँ बैठे हैं, मम्मी मामी और छोटी मामी और सिया वगैरह वहाँ पे। बाकी चलो अब एक काम करते हैं, बहुत ज़ोर से ना भूख लग रही है, खाने के बाद सीधा घर पे जाने के बाद। गाइस फाइनली हम लोग घूम के आ चुके हैं अपने घर पे, और मतलब काफी मजा आया। सिया कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस बाबू? मजा आया बस, लेकिन थोड़ा सा गर्मी थी, सिया को गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, पर लेकिन हाँ कोई नहीं, कभी कभी सहना चाहिए हम सबको। और ब्लॉग को मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिया तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय।